If T is the surface tension of a soap solution, the amount of work done in blowing a soap bubble from diameter D to 2D, diameter D से double करना, जो पहला second question था उस जैसा ही है ये तो इस case में ये आ जाएगा कि delta U की value निकाल लो, तो surface U equal to क्या होता है, surface tension into में area, और area क्या होता है, pi r, 4 pi r square, अगर diameter पहले D था, तो इस केस में यानी कि r पहले मान लो कि रेडियस r थी, फिर क्या हो जाएगी, रेडियस 2r होगी, पहले r थी फिर क्या होगी 2r, तो डिफरेंस ले लो इस केस में 4 पाई, अगर डायमीटर d है तो रेडियस d by 2 हो जाएगी, तो 4 पाई इनिशियल जो होगी u इनिशियल आ जाएगी आपके पास 4 पाई d by 2 का स्क्वायर इनटू में सरफेस टेंशन आपको दे रखी है इस केस में s, s मान लो, और फाइनल कितनी हो जाएगी 4 पाई डी का स्क्वायर इनटू में एस, दोनों का क्या ले लो इसमें डिफरेंस, क्योंकि डायमीटर 2d है तो रेडियस क्या हो जाएगी डी, रेडियस क्या हो जाएगी डी, पहले में डायमीटर डी है तो रेडियस क्या हो जाएगी डी बाई 2, दूसरे में डायमीटर 2d है तो रेडियस क्या हो जाएगी डी, अब दोनों का डिफरेंस ले लो, डेल्टा यू की जो वैल्यू होगी यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, तो 4 पाई डी स्क्वायर इनटू में 4 पाई एस इंटू में डी स्क्वायर बाय 4 माइनस डी स्क्वायर, तो 4 पाई एस, सॉरी पाई में 4, तो 3 डी स्क्वायर बाय क्या आ जाएगी 4, 4 से 4 कैंसिल, तो 3 पाई एस डी स्क्वायर आ जाएगा आंसर आपके पास, और सॉप बबल है तो इंटू में 2 भी करोगे तो कितना आ जाएगा 6 पाई डी स्क्वायर, तो आंसर ही आ जाएगा, एनी डाउट?